अल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सर्जरी नगेट्स। तो ये पार्ट टू वीडियो है, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? ब्लैडर के स्टोन तक पहुँच गए थे। ऐसे स्टोन जो किडनी में बनते हैं और ब्लैडर में पास हो जाते हैं, तो वो प्राइमरी स्टोन होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टोन ब्लैडर के अंदर बनते हैं ड्यू टू ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन या फॉरन बॉडी है। इनको रिमूव करने के लिए लिथोलेपेक्सी करते हैं। लेकिन लिथोलेपेक्सी की तीन कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। नंबर वन, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है। नंबर टू, लार्जर स्टोन है 2 सेंटीमीटर से बड़ा का है। नंबर थ्री, कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर है। इस केस में आपने यूसीएल से रट्टा मारना है या एलयूसी से। लार्ज स्टोन है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है या कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर है, तो इसमें लिथोलेपेक्सी नहीं करनी, बल्कि क्या करते हैं, परकुटेनियस सुप्रा प्यूबिक लिथोलेपेक्सी आपने करनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रेप्सी है। अब जो पायोनेफ्रोसिस होता है, एक्यूट पायोनेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, रीनल स्टोन की वजह से हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से हो सकता है। अब इसमें क्या मैनेजमेंट होती है, परकुटेनियस नेफ्रोस्टोमी करनी है अगर पेशेंट काफी ज्यादा बीमार है। अगर दूसरी किडनी नॉर्मल है तो नेफ्रेक्टमी कर देनी है, और अगर थिक पस आ रही है तो ओपन नेफ्रोस्टोमी कर देनी है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को फीवर है, फ्लैंग पे पेन है और यूरिन में पसल्स आ रही है, तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस होता है। अगर किसी पेशेंट को फ्लैंग में पेन है, फीवर है और एब्डोमिनल मैस है, फ्लैंग में मैस है, और पहली पॉसिबिलिटी है कि यूरिन में पसल्स आ रही है, तो वो पायोनेफ्रोसिस होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कोई पसल नहीं आ रही, पेरिनेफ्रिक एब्सेस है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कोई पसल नहीं आ रहा था लेकिन बाद में पसल आना शुरू हो गया, तो वो रीनल कार्बंकल होता है। ठीक है, रीनल कार्बंकल हिमाटोजिनस सेपरेट की वजह से होता है। सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन का चॉइस होता है और दोनों का जो ट्रीटमेंट होता है परक्यूटेनियस ड्रेनेज होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद टीबी ऑफ किडनी एंड द ब्लैडर। तो इस केस में आपको जो पेन होता है वो मिक्चुरेशन से रिलीव हो जाता है, पेनलेस हिमाचुरिया होता है, रट्टा मार लेना पेनलेस हिमाचुरिया कैंसर में भी देखने को मिलता है। स्टीराइल पार यूरिया होता है, डैट मीन्स के पस सेल तो मिलती है यूरिन में लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता होता। आप सिस्टोस्कोपी पे क्या मिलेगा, लीनियर अल्सर मिलते हैं, हनर अल्सर मिलते हैं, लीनियर अल्सर, हनर अल्सर, गोल्फ होल अपेयरेंस ऑफ यूरेटर ऑरिफिस है, थिम्बल ब्लैडर है। ओके, गोल्फ होल यूरेटर और थिम्बल ब्लैडर। ओके, अगर किडनी का टीबी हो चुका है तो उसमें आपने एटीटी देना है और उसके बाद नेफ्रेक्टमी करना होता है अगर किडनी का फंक्शन लॉस हो चुका है। अगर ब्लेडर कॉन्ट्रैक्टेड है, डैट मीन्स थिम्बल ब्लेडर है, तो आप इसमें ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी देनी होती है और आपने डाइमिथाइल सल्फोक्साइड आपने देना होता है। क्लियर, सही हो गया। ओके, अगर किडनी का मसला तो आपने एटीटी किया फॉर 9 to 12 months और आपने नेफ्रेक्टमी कर दिया। और अगर ब्लेडर का मसला था, ब्लेडर कॉन्ट्रैक्टेड था, तो इस केस में क्या करते थे, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी है। ओके, ठीक हो गया, और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इंसर्ट कर देते होते हैं। नेक्स्ट है आरसीसी। आरसीसी की अगर अर्ली स्टेजेस, आरसीसी क्या होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। क्लियर, सही हो गया। और इसका ट्रायड क्या होता है, फ्लैग पे पेन होता है, मैस होता है, हिमाचुरिया देखने को मिलता होता है। ओके, अगर अर्ली आरसीसी है, अर्ली आरसीसी का मतलब है लोकलाइज आरसीसी है, T1, T2 और T3A। ओके, T1, T2 तक कैंसर आप रट्टा मार लो। ओके, इस केस में क्या करते होते हैं, रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते होते हैं, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, जिरोटा फेशिया, पैरायोटिक लिम्फ नोड और प्रोक्सिमल यूरेटर को निकाल देते होते हैं। ओके, ट्रांसपेरिटोनियल या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच से करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। और जो आपका स्टेज 2, 3B और 2, 3C, इसके लिए क्या करते हैं, 2, 3B और 2, 3C में कैसे मैनेजमेंट करते होते हैं, लाइक अच्छा यहाँ पे ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच से भी करते होते हैं। कहते हैं डोंट मोबिलाइज द किडनी, अपनी किडनी को मोबिलाइज नहीं करना अनलेस अनटिल जब तक आपने रीनल आर्टरी और वेन को आपने लाइगेट कर दिया हो। उसके अलावा आपने रीनल वेन को पालपेट करना होता है फॉर एनी डेपोजिट। ओके, क्लियर। इसके अलावा जो T3B और T3C है, इसके इसमें आपने क्या करना होता है, ओके, इसमें इंफीरियर वेना कैवा डायफ्राम से ऊपर या नीचे इन्वॉल्व हो सकता होता है, तो इसमें आपने इंफीरियर वेना कैवा को आपने क्लैंप लगाना होता है। क्लियर, सही हो गया। और आपने कार्डियोथोरैक्टिक सर्जन को बुलाना होता है, कार्डियोप्लेजिया कर देगा या कार्डिक बाईपास कर देगा। T4A में लोकल इन्वेसिव डिजीज होता है, तो इसमें क्या होता है, रेडिकल नेफ्रेक्टमी करोगे सिप्टम को रिलीव करने के लिए। जो एडीनोकार्सिनोमा होता है ना, ओके, एडीनोकार्सिनोमा, वो हार्मोन से और कीमो से दोनों से रेजिस्टेंट होता है। रेडियोथेरेपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी वगैरह इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट हो जाएगा। आरसीसी का ट्रीटमेंट होता है। इन शॉर्ट, अगर किसी को T1A है तो आपने क्या करनी होती है, नेफ्रॉन स्पेरिंग सर्जरी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी। अगर ट्यूमर का साइज क्या होता है, 4 सेंटीमीटर से कम का है, ओके, बायलैटरल किडनी को इन्वॉल्व किया हुआ है या ट्यूमर सॉलिटरी किडनी के अंदर है। T1B, T2 के अंदर रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं, T3, T4 में भी रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते होते हैं, इन सब के अंदर। आगे चलते होते हैं, नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर। अब ब्लैडर का कैंसर आ गया, अपना यूरोजेनिटल के अंदर जो कैंसर होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि किस कैंसर की क्या स्टेजिंग होती है, उसको कैसे मैनेज करना होता है। अब इसको ऐसे रट्टा मारना है कि अगर किसी को सुपरफिशियल ट्रांजिशनल सेल कैंसर है, सुपरफिशियल का मतलब T1 को इन्वॉल्व कर रहा है, T A और T1 को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इस केस में क्या मैनेजमेंट होती है, आपने इंट्राविजाइकल कीमोथेरेपी देनी होती है। पहले तो इसमें आप TURBT करते हैं, मैक्रोस्कोपिकली ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लेडर ट्यूमर होता है, फिर स्पेसिमन को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। अगर ट्यूमर वापस आ गया तो TURBT वगैरह करते होते हैं। इसके अलावा
अब BCG भी देते होते हैं, इंट्रावेजाइकल BCG फॉर 6 मंथ। ओके, अगर कोई हाई रिस्क सुपरफिशियल ट्यूमर है, अगर T2 या T3 होता है, तो इस केस में क्या मैनेजमेंट होती है? रेडिकल सिस्टेक्टमी है, ब्लेडर निकाला, पेरिवेजाइकल फैट निकाला, पेल्विक लिम्फ नोड निकाला, प्रोस्टेट और प्रोक्सिमल यूरेथ्रा आपने निकाल दिया, क्लियर। और अगर T4 का है, एडवांस डिजीज है, तो आपने MVAC इस्तेमाल करना होता है। एम से क्या होता है? मेथोट्रेक्सेट, पी से विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन, ए से एड्रियामाइसिन और सी से सिस्प्लाटिन आ जाता है, क्लियर। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। ब्लेडर का कैंसर इस दोबारा बता देता हूँ, सुपरफिशियल कैंसर में TURBT करते हैं और साथ में आपने BCG देनी होती है। T2 और T3 के अंदर क्या था? इसके अंदर रेडिकल सिस्टेक्टमी करते होते हैं, क्लियर। और T4 में क्या करते होते हैं? MVAC इस्तेमाल करते होते हैं। जबकि RCC में मैंने ये बताया था कि T1A में आप क्या करोगे? नेफ्रॉन स्पेरिंग सर्जरी। T2, T3, T4 इन सब में रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर देते होते हैं, क्लियर। सही हो गया। और यहाँ पर रेडिकल सिस्टेक्टमी करते होते होते हैं। उम्मीद है कि आपको मिक्स नहीं होगा इसका मैनेजमेंट। ओके लगे, तो मैं प्रोस्टेट का कैंसर भी बता देता हूँ। अगर T1A है, तो आपने सर्विलेंस करनी होती है। किससे करोगे? DRE से या PSA से करोगे। अगर T1B यानी T2 तक है, तो आपने रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करनी है। और T3 और T4 है, तो इसमें हार्मोनल एब्लेशन करते होते हैं, जिसमें ऑर्किडेक्टमी, मेडिकल कास्ट्रेशन और रेडियोथेरेपी इस्तेमाल करते होते हैं, क्लियर। तो 3 कैंसर मैंने रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, ब्लेडर के रप्चर पे चलते होते हैं। ओके, अगर कोई डिस्टेंडेड ब्लेडर है, उसको ब्लो लगा, तो वो इंट्रापेरिटोनियल रप्चर करा देता होता है। और अगर पेल्विस का फ्रैक्चर हुआ है, तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर आपको ब्लेडर को देखने को मिलता होता है। अगर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्रैक्चर होगा ना, तो आपको वही सिम्टम देखने को मिलते होते हैं जो आपको देखने को मिलते होते हैं, कहने का मतलब है, जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के रप्चर में। बस एक डिफरेंस होता है इसमें, ब्लेडर क्या होगा? डिस्टेंडेड ब्लेडर होगा और यूरिन की कलेक्शन होगी रेट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर। अगर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर होता है, तो अपने फोलीज डालना होता है। ओके, लार्जर डिफेक्ट के लिए अपने रिपेयर करना होता है। अगर इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर हो चुका है, जो कि डिस्टेंडेड ब्लेडर की वजह से होता है, रिससिटेशन करना है, लैप्रोटॉमी करनी है और आपने रिपेयर करना होता है उसको। ठीक हो गया। आगे चलते होते हैं, एब्डोमिनल पेल्विक इंजरी है। ओके, या अगर किसी के एब्डोमन या पेल्विस पे इंजरी है, यूरिनरी रिटेंशन नहीं है और हिमाचूरिया फोलिस पे आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है, ओके, मे बी किडनी और ब्लेडर की इंजरी हो सकती है। अगर हिमाचूरिया फोलिस पे आ रहा है और यूरिन की रिटेंशन नहीं है, ओके, एक मिनट, मैं उल्टा तो नहीं बता गया। ओके, लाइक ब्लेडर की डिस्टेंशन आपको किस में देखने को मिलती है? यूरिनरी रिटेंशन आपको देखने को मिलती है यूरिथ्रल इंजरी में। ओके, यानी यूरिथ्रल इंजरी में ब्लेडर डिस्टेंडेड हो सकता होता है, लेकिन इसमें ब्लेडर डिस्टेंसिस आपको नहीं होता। ओके, यानी अगर ब्लेडर इम्पालपेबल है, ब्लेडर पालपेट नहीं हो रहा, तो ब्लेडर की इंजरी है। और अगर हो रहा है, तो इसका मतलब है यूरिथ्रल की इंजरी है। तो अगर किसी को एब्डोमिनल पेल्विक इंजरी हुई है, कोई यूरिनरी रिटेंशन नहीं है, ओके, और हिमाचूरिया फोलिस पे आ रहा है, तो किडनी या ब्लेडर की इंजरी हो सकती है। तो आप क्या करोगे? असेंडिंग सिस्टोग्राम करा लोगे, विल डायग्नोज फॉर द ब्लेडर रप्चर। ओके, तो ब्लेडर रप्चर के लिए क्या करा लोगे? सेंडिंग सिस्टोग्राम करा लोगे, क्लियर। और सिस्टो यूरिथ्रोग्राम भी करा सकते होते हैं। और आप IVP, CT, अल्ट्रासाउंड किडनी की इंजरी में करा लेते होते हैं। प्रायपिज्म सिकल सेल एनीमिया की वजह से होता है। इंजेक्शन ऑफ पेपावरिन आपने देना होता है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, नहीं बल्कि इंजेक्शन ऑफ पेपावरिन इसकी वजह से हो जाता होता है प्रायपिज्म, क्लियर। प्रायपिज्म किसको बोलते हैं? पेनफुल इरेक्शन ऑफ पीनस को बोलते होते हैं। पेनफुल इरेक्शन ऑफ पीनस वगैरह को बोलते हैं प्रायपिज्म। ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा हमारा। इसके अलावा प्रायपिज्म के और क्या पॉइंट्स होते हैं, मैं यहाँ से देख लूँ। यूरिथ्रल फिस्टुला लिखा हुआ है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है, मीटर स्टिनोसिस है, कॉन्जिलेटरल यूरिथ्रल स्टिनोसिस है, हाइपोस्पीडिया यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, पैरा यूरिथ्रल एब्सेस, पैराफिमोसिस। ओके, तो प्रायपिज्म क्या होता है? परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनस होता है, जो कॉर्पोरा कैवर्नोजा होता है, वो ब्लड से भरे हुए होते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव वीनस ड्रेनेज है। ओके, तो सिकल सेल डिजीज की वजह से, पेपावरिन की वजह से, मलिग्नेंसी ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोजा की वजह से होता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? ब्लड को एस्पायर कर लो, फिनालिफ्रिन दे दो, और अगर नहीं ठीक हो रहा, तो डी टू मिशंस कर दो, रिडक्शन ऑफ इरेक्शन। कैसे करोगे आप? कॉर्पस स्पॉन्जियोजम और कॉर्पोरा कैवर्नोजा, उसके दिमाग एनास्टामोसिस क्रिएट कर दोगे। दिस इज कॉल्ड एल गुराब शंट प्रोसीजर। तो क्या क्या है कि आप कॉर्पोरा कैवर्नोजा से ब्लड निकाल लिया, फिनालिफ्रिन दे दिया और आपने डिटोमिसेंस कर लिया, कॉर्पोरा कैवर्नोजा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजा को मिला दिया। दिस इज कॉल्ड एल गुराब शंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन का टाइप ऑफ यूरिथ्रा विच इंजर्ड इन पेल्विक फ्रैक्चर। ओके, पेल्विस के फ्रैक्चर में जो यूरिथ्रा डैमेज होता है, वो कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरिथ्रल रप्चर। तो जो जो होता है ना बल्बल यूरिथ्रा, इसको बोलते हैं एंटीरियर यूरिथ्रा बोलते हैं। ओके, जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा होता है पेल्विस वाले को में इंजर्ड होता है, क्लियर। ठीक हो गया। जो एंटीरियर यूरिथ्रा होता है, दो तरह का होता है, बल्बल और मेम्ब्रेनस आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली बल्बल उठता होता है। ओके, जबकि पोस्टीरियर के अंदर आपका मेम्ब्रेन नहीं, बल्बल में आपका बल्बर में, इसने मेम्ब्रेनस भी लिख दिया। बल्बर में आपको वैसे बल्बर है और पिनाइल और प्रोस्टेटिक है।
ओके चलो उसको छोड़ देते हैं, कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट बता रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो कि पेल्विक फ्रैक्चर में रप्चर हो जाता है, तो वो होता है आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है पेल्विक फ्रैक्चर में। ठीक हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर में क्या ट्राइट देखने को मिलता होता है, पेल्विक हीमाटोमा, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलती है, और ब्लड एट द टिप ऑफ मीएटस देखने को मिलता है। क्रिप्टोकार्डिज्म यूजली राइट साइड पर देखने को मिलता है। सर्जरी आपने क्या करनी होती है, यूजली आपने 1 साल से पहले आपने करनी होती है, 1 साल के अंदर करनी होती है, 6 से लेकर 12 महीनों पर। अगर नहीं की तो क्या हो जाएगा, आपको मेलिग्नेंसी देखने को मिलेगी, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, टेस्टिकुलर टॉर्शन देखने को मिलेगी, और आपको एट्रफी आपको देखने को मिलती है, हर्निया देखने को मिलता है। और किडोपैक्सिस डन बट इट डज नॉट रिड्यूसेस द मेलिग्नेंसी इन द टेस्टिस। इसके बाद सडन ऑनसेट ऑफ टेस्टिकुलर पेन है, ओके तो टेस्टिकुलर टॉर्शन आपको देखने को मिलता है सर, उसमें आपको वॉमिटिंग, पाइलोरोस्पाज्म, ये सब चीज़ें देखने को मिलती होती है, टेस्टिकुलर टॉर्शन के अंदर देखने को मिलती है। अब एपिडिडिमा और ओरकाइटिस से कैसे डिफ्रेंशिएट करते होते हैं, प्रीहान साइन से डिफ्रेंशिएट करते होते हैं। क्लियर, प्रीहान साइन है, क्लियर सही हो गया। डॉपलर अल्ट्रासाउंड कन्फर्मेटरी होता है लेकिन फिर भी आपने सर्जरी करनी होती है। ओके तो इसमें जो होते हैं ना, इसमें जो होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन, ये क्लैपर बल डिफॉर्मिटी की वजह से, लॉन्ग मेसोआर्कियम की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर, 10 से लेकर 15 साल वाले में देखने को मिलता होता है, जबकि एपिडिडिमा ओरकाइटिस 20 से लेकर 35 वाले में देखने को मिलता होता है। जो प्रीहान साइन होता है एपिडिडिमा ओरकाइटिस में पॉजिटिव होता है, जबकि टेस्टिकुलर टॉर्शन में नेगेटिव होता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड कंफर्म कर लेता होता है। इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, सबसे पहले आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी है, सर्जिकल इंसीजन देना होता है। क्लियर, ठीक हो गया, ओके। और फिर आपने ये देखना है कि टेस्टिस वाइबल है या नहीं, कैसे पता लगेगा, वार्म सलाइन गॉस दे दोगे, ओके, और अब वार्म सलाइन गॉस दे दोगे और 100% ऑक्सीजन दे दोगे 5 लेकर 10 मिनट के बाद, या फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लोगे। अगर टेस्टिस वाइबल है तो आपने उसको फिक्स करना होता है 3 प्लेसेस पर विद द नॉन एब्जॉर्बेबल प्रोलिन सूचर बिटवीन द ट्यूनिकल विजुनिया और ट्यूनिका विजिनालिस है, और दूसरा टेस्टिस को भी आपने फिक्स करना होता है। अगर टेस्टिस काला पड़ गया तो आपने उसकी ऑर्किडेक्टोमी कर देनी होती है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फॉर टेस्टिकुलर ट्यूमर, आपने हमेशा हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी करनी है, कभी भी स्क्रोटल ऑर्किडेक्टोमी नहीं करनी होती, ओके, फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल, क्योंकि कैंसर फैल जाता होता है। साइमिनोमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो रेडियोथेरेपी होता है, यानी पहले आपने आपने क्या किया, हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी किया, फिर आपने क्या किया, ओके साइमिनोमा था, ओके तो फिर आपने उसकी क्या मैनेजमेंट होगी, नॉन साइमिनोमेटस है उसकी क्या मैनेजमेंट आपको देखने को मिलती होती है। ओके लाइक आप कह सकते हो, ओके अगर साइमिनोमेटस ट्यूमर है तो आपने रेडियोथेरेपी वगैरह आपने देनी होती है। क्लियर सही हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि वो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होते हैं। क्लियर, और जो कीमोथेरेपी होती है मिमोनिक है, बीईपी, ब्लियोमाइसिन, एटिपोसाइट, और इसके अलावा आपने सिसप्लाटिन आपने देना होता है। क्लियर सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। टेराटोमा में आपने CMBV, ओके, यानी CM के BV है, ओके CMBV आपने देना, या CM की BV है। सी से आपका सिसप्लाटिन, एम से मिथोट्रेक्सेट, बी से ब्लियोमाइसिन, और वी से विनक्रिस्टिन आ जाता होता है। रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड की डाइसेक्शन भी कर सकते होते हैं। इसके बाद कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील, ये वाहित हाइड्रोसील है जिसको एनियोटोमी से ठीक करना होता है, अदरवाइज एक्वाइर्ड में अगर स्मॉल है तो लॉर्ड्स प्लाइकेशन, मीडियम है तो जैबुलिस, और अगर लार्ज है तो आपने क्या करना होता है, ओके हाइड्रोसिलेक्टमी आपने करनी होती है। क्लियर सही हो गया, इसमें ना जो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील होता है ये पेरिटोनियम से कम्युनिकेट करता है, इंटरमीडिएट हाइड्रोसील होती है अगर पेशेंट लेट जाता है तो हाइड्रोसील गायब हो जाती है, कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील अगर बायलैटरल है तो साइटिस के बारे में सोचना होता है। हाइड्रोसील और एपिडिडिमल सिस्ट दोनों आपको ट्रांस सिलिमेंट स्वेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन हाइड्रोसील इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द टेस्टिस, जबकि एपिडिडिमल सिस्ट क्या होती है, टेस्टिस से सेपरेट आपको देखने को मिलती है, बंच ऑफ ग्रेप्स आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ट्रीटमेंट के अंदर लोअर स्प्लाइकेशन, इवरियन ऑफ सैक जिसको जैबुलिस रिपेयर कहते हैं, इसके अलावा हाइड्रोसिलेक्टमी वगैरह करते होते हैं। स्पर्मेटोसील क्या होती है, यूनिलाकुलर रिटेंशन सिस्ट होती है, ओके यूनिलाकुलर रिटेंशन सिस्ट इन द राइजिंग फ्रॉम द एपिडिडिमल, तो उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोसील, जबकि जो आपको मैंने बोला था एपिडिडिमल सिस्ट वाला, ये मल्टीलोकुलर आपको देखने को मिलती है। ओके जो स्पर्मेटोसील है उसको बोलते हैं हम, ओके 3 टेस्टिस अपेयरेंस है, यानी इसका जो फ्लूइड होता है बार्ली वाटर का रिजेंबल करता है, इसमें स्पर्मेटोजोआ होता है, अपर पोल में आपको देखने को मिलता होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा, ओके ठीक हो गया। तो जो एपिडिडिमल सिस्ट है ना, ओके सिस्टिक डीजनरेशन की वजह से थी, बंच ऑफ ग्रेप्स की वजह से देखने को मिलती है, जबकि स्पर्मेटोसेल क्या होती है, ये यूनिलैटरल होती है। क्लियर ठीक हो गया, यूनिओकुलर होती है, यूनिलैटरल नहीं यूनिओकुलर, बार्ली वाटर से भरी हुई होती है, यूनिलॉकुलर होती है, 3rd टेस्टिस वाली फीलिंग आपको देखने को मिलती है। 1 सेकंड आपने स्पायलेशन करना होता है, और इन सब में ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके बाद आपने रट्टा मार लेना कि कभी भी सक्रोटल अप्रोच नहीं करना फॉर ऑर्किडेक्टोमी फॉर द टेस्टिकुलर कैंसर, हमेशा आपने हाई इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टोमी आपने करनी होती है, एमसीक्यूज पॉइंट था। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के नगेट्स वगैरह पे आ जाते होते हैं, ओके यानी अब हम हेड एंड नेक वाले टॉपिक पे आ गया, ओके सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं दो तरह के होते हैं, माइनर और मेजर होते हैं। जो मेजर होते हैं ना वो आपके सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड होते हैं, जो माइनर होते हैं आपके ये 450 सबलिंगुअल होते हैं, 450 सबलिंगुअल नहीं 450 माइनर सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर आपको देखने को मिलते होते हैं, ओके और इस 10% सलाइवा बनाते होते हैं। दे आर हिस्टोलॉजिकली सिमिलर टू द मेजर सलाइवरी ग्लैंड, लिप्स के म्यूकोजा पे होते हैं, मलिग्नेंसी इनमें ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। वैसे एक बात रट्टा मार लेना, जितना सलाइवरी ग्लैंड का साइज छोटा होगा उतना उसमें मलिग्नेंसी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इफ एनी सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर 1 सेंटीमीटर से नीचे का है वो बिनाइन है, ओके तो आपने क्या करनी होती है, एक्सीजनल बायोप्सी करनी होती है। क्लियर ठीक हो गया, एक्सीजनल बायोप्सी आपने करनी होती है।
आगे चलते हैं। जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ये कौन से उसके ऊपर पड़ा होता है? ओके, ये माइलो हाइएट मसल के ऊपर पड़ा होता है। पेयर्ड ग्लैंड होता है, एक से ज़्यादा डक्ट देखने को मिलती होती है। जो 85% सबलिंगुअल ग्लैंड के जो ट्यूमर होते हैं ना, वो होते हैं मालिक ग्लैंड होते हैं। मालिक ग्लैंड ट्यूमर आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? नेक के आपने ट्यूमर की एक्सीजन करनी है और नेक की डाइसेक्शन करनी होती है, क्योंकि ये जो ट्यूमर है ना हेड एंड नेक के, ये लिफ नोड को रिवॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद रेनुला क्या होता है? रेनुला इज अ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट होता है, ट्रांसल्यूसेंट स्वेलिंग बना लेता है इन द फ्लोर ऑफ माउथ। फ्रॉग वैली अपीयरेंस होता है, ब्लूइश इन कलर होता है, फ्लक्चुएंट होता है, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है। ट्रीटमेंट एक्सीजन करोगे विद अफेक्टेड सबलिंगुअल ग्लैंड है। प्लगिंग रेनुला क्या होता है? म्यूकस रिटेंशन सिस्ट होती है सबलिंगुअल या सबमैंडिबुलर ग्लैंड की होती है। जो म्यूकस होता है वो सिस्ट के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि माइलो हाइएट मसल को परफोरेट कर देगा। ओके, यानी अगर म्यूकस ना सिस्ट में डेपोजिट होना शुरू हो गया, माइलो हाइएट मसल को परफोरेट कर देगा, तो नेक में एंटर हो जाएगा। डंबल शेप स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी सबमैंडिबुलर या सबमेंटल रीजन के अंदर। डायग्नोसिस में क्या होता है? अल्ट्रासाउंड या एमआरआई वगैरह बनाते होते हैं। ओके, ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्सीजन अपनी करनी होती है। सही हो गया। ओके, ट्यूमर किधर आ जाते हैं? 90% जो सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं। 85% सलाइवरी ग्लैंड के सब लिंगुअल ग्लैंड के मैलिग्नेंट होते हैं। सब मैंडिबुलर के 50% होती है, और पैरोटिड ग्लैंड की कमी होती है। यानी माइनर की 90, सब लिंगुअल की 85, 50% सब मैंडिबुलर के, पैरोटिड के बिनाइन ट्यूमर होते हैं। ओके, यानी वही बताया कि जितना ज़्यादा ग्लैंड का साइज छोटा होगा उतना मलिग्नेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, इसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर के इन्फ्लेमेशन क्या बोलते हैं? सियालाडिनाइटिस बोलते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। और इसकी वजह से रेडियो पैक स्टोन फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है, उसको बोलते हैं सियालो लिथियासिस, और ये ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता होता है। इसमें पेनफुल सब मैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, ईटिंग से प्रेसिपिटेट हो जाती होती है। क्लियर, और आपको और क्या होता है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड का साइज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, टेंडर होता है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के ऊपर। ठीक हो गया। और इसका मैनेजमेंट क्या होता है? अपने क्या करना होता है? ग्लैंड को डक्ट को एक्साइज करना होता है विदाउट द ग्लैंड यानी ग्लैंड को एक्साइज करना है विदाउट द डक्ट क्लोयर। ठीक हो गया। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के स्टोन रेडियो पैक होते हैं, एक्सरे करा लोगे, रिमूव बाय लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन। ओके, रिमूव कैसे करना होता है? आपने सब मैंडिबुलर के स्टोन को अपने लॉन्गिट्यूडनल इंसीजन देना होता है। मोस्ट कॉमनली जो स्टोन होते हैं आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड में देखने को मिलते होते हैं। ठीक है, अगर पैरोटिड ग्लैंड के जो स्टोन होती है वो रेडियो लूसेंट होते हैं, एक्सरे पे रेडियो पैक है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड का स्टोन है, अगर रेडियो लूसेंट है तो पैरोटिड ग्लैंड के होते हैं। डायग्नोसिस बनाने के लिए उसमें एक्सरे था सब मैंडिबुलर में, इसमें सियालोग्राफी होता है। ओके, ठीक हो गया। इसमें आपने पैरोटिड भी निकाल देना होता है, और कहते हैं कि अगर किसी को एक्यूट सुपरएक्टिव पैरोटाइट ऐसा तो कभी भी आपने वो नहीं करनी। ओके, सियालोग्राफी नहीं करानी होती। इसके बाद पैरोटिड मसल है, जो पैरोटिड ग्लैंड है, मसल नहीं पैरोटिड ग्लैंड है, ये मैसेटर मसल के ऊपर पड़ा होता है। अब पैरोटिड ग्लैंड के अंदर तीन चीजें होती है, फेशियल नर्व, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है। ओके, अब पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर वगैरह पड़ लेते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं मोस्टली हमें रट्टा मारना है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। ओके, बेसल सेल एडिनोमा होता है। ओके, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, वार्थिन ट्यूमर, बेसल सेल एडिनोमा और ऑन्कोसाइटोमा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर में रट्टा मार लेना कि हाई ग्रेड पे मिमोनिक होता है। ओके, लाइक सैम है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, और इसके अलावा हाई ग्रेड म्यूकोएपिडर्मॉइड कार्सिनोमा, और लो ग्रेड के अंदर एक्टिनिक सेल कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा और लो ग्रेड म्यूकोएपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और कैसे पता लगेगा कि ट्यूमर की मैलिग्नेंसी हो चुकी है? मैलिग्नेंसी का कुछ निशानी होती है। नंबर 1, आपने रट्टा मारने के रैपिड इंक्रीज इन साइज है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व है। ओके, इंक्रीज इन साइज, रैपिड इंक्रीज इन साइज और इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व है। सी से आपने रट्टा मारने के सर्वाइकल इंफर्टिनापैथी और यू सेल सिलेशन है। दोबारा बता दूं, इंक्रीज इन साइज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व और सी से सर्वाइकल इंफर्टिनापैथी, यू से अल्सरेशन वगैरह रट्टा मार लेना। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, मोस्ट कॉमन ट्यूमर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, सुपरफिशियल लोब को इन्वॉल्व करता है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग होगा तो इसमें मैलिग्नेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एफएनएससी कराना होता है। ट्रीटमेंट के अंदर सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी है, कभी भी इन्यूकेशन नहीं करना होता। ओके, क्योंकि ना इससे रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ना डीप लोब इन्वॉल्व हो गया तो कैसे पता लगेगा? टॉन्सिल मीडियली पुश हो जाएगा, इसमें टोटल पैरोटिडेक्टमी करनी होती है। साइनो मैलिग्नेंसी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रैपिड इंक्रीज इन साइज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन है, सर्वाइकल इंफेक्टिनोपैथी और क्या होती है, अल्सरेशन ऑफ स्किन आपको देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर पैरोटिड सबम्यूकोएपिडर्मॉइड कैंसर होता है। ओके, एफएनएससी करानी होती है। अगर लो ग्रेड ट्यूमर है तो आपने सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करनी है, जिसको पैटीज ऑपरेशन कहते हैं। ओके, अगर हाई ग्रेड है तो आपने क्या करना है? म्यूकोएपिडर्मॉइड का ट्रीटमेंट है। ओके, तो म्यूकोएपिडर्मॉइड का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हाई ग्रेड में आपने रेडिकल पैरोटिडेक्टमी आपने करनी है, अदरवाइज सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करनी होती है। जो ऐसी एक्टिनिक सेल कार्सिनोमा होता है, लो ग्रेड होता है, पैरोटिड में ही आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा हमारा। ओके 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 ओके, एक और ट्यूमर आ गया, वार्थिन ट्यूमर। ओके, वार्थिन ट्यूमर मेल्स में देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक हो गया। और इसमें आपको लिम्फाइड टिश्यू स्ट्रोमा आपको देखने को मिलता है, हॉट स्पॉट बनाता है ऑन द
टेक्नीशियम 99 स्कैन होता है, ठीक हो गया ओके। जबकि पैरोटिड ग्लैंड के जो ट्यूमर होते हैं वो कोल्ड स्पॉट होते हैं। ट्रीटमेंट वन सेकेंड क्या होता है, सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी होता है। जो मलिग्नेंट ट्यूमर और पैरोटिड ग्लैंड होते हैं लो ग्रेड में आपका एक्टिनिक सेल कैंसर है एडिनॉइड सिस्टिक, और लो ग्रेड म्यूकोएपिडर्मॉइड है। हाई ग्रेड के अंदर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा और हाई ग्रेड म्यूकोएपिडर्मॉइड है। क्लिनिकल फीचर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एफएनएसी लो ग्रेड और हाई ग्रेड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और सीटी स्कैन एमआरआई ये ट्यूमर के एक्सटेंट को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसकी स्टेजिंग आई डोंट थिंक सो आपने करनी है, लो ग्रेड के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सुपरफिशियल पैरोटिडक्टमी है, और हाई ग्रेड में क्या करनी होती है रेडिकल पैरोटिडक्टमी है, जिसमें फेशियल नर्व को भी काट देते होते हैं, मैसेटर मसल को भी काट देते हैं और लिम्फ नोड की डायसेक्शन कर देते होते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है पैरोटिड ग्लैंड के सर्जरी में, सिरोमा होता है, हिबाटोमा होता है, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है फ्राई सिंड्रोम, गैस्ट्रेटरी स्वेटिंग आपको देखने को मिलती होती है। ये क्यों होती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है, जिसकी वजह से बंदा जब भी रोटी खाएगा ना तो उसको स्वेटिंग और एरिथेमा देखने को मिलेगा। ओके प्रिवेंशन कैसे करोगे, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल का फ्लैप इस्तेमाल करोगे स्किन और पैरोटिड के बेड के दरमियान में, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल का फ्लैप इस्तेमाल कर लिया स्किन और पैरोटिड के बेड में, टेम्परेरी फेशियल फ्लैप अपने इस्तेमाल कर लिया या आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन इंसर्ट कर दी स्किन और पैरोटिड के दरमियान में, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड या टेम्परेरी फेशियल फ्लैप है। मैनेजमेंट के अंदर एंटीपर्सपिरेंट, टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी या बोटॉक्स के इंजेक्शन आपने देने होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका फ्राई सिंड्रोम हो जाएगा। ऑल सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर आर मोस्टली फाउंड इन द पैरोटिड ग्लैंड एक्सेप्ट जो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा होता है माइनर में देखने को मिलता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा सब मैंडिबुलर में होता है, एमसीक्यू पॉइंट है, बाकी सारे आपको पैरोटिड में देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन ब्राइन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, मैलिग्नेंट में म्यूकोएपिडर्मॉइड होता है। जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड में जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन ब्राइन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड इन द चिल्ड्रन तो वहीं मेनजियोमा होता है। मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस नियोप्लाज्म, जो रेडिएशन इंड्यूस नियोप्लाज्म है म्यूकोएपिडर्मॉइड होता है। तमाम पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर आपको फीमेल्स में देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट वार्थ्रिन, जो कि आपके क्या होता है कि मेल्स में देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। हमेशा पैरोटिड से निकलता होता है, टेल ऑफ पैरोटिड में मौजूद होता है, 10% बायलैटरल होता है, सुपरफिशियल पैरोटिड एक्टिविटी करनी होती है, और इसमें आपको हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं टेक्नीशियम स्कैन के अंदर। जो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा होता है माइनस लेवरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, लो ग्रेड होता है, और इसमें पैरी न्यूरल इन्वेजन आपने करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थायराइड के नगेट्स के अंदर। अगर किसी पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस है और एज 45 साल से नीचे है तो आपने सर्जरी करनी है, 45 साल से ऊपर है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन सर्जरी करनी होती है। अगर गोइटर और थायरोटॉक्सिकोसिस दोनों एट अ टाइम अपीयर हो जाए तो उसका मतलब है प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है, और अगर पहले गोइटर आया था फिर बाद में थायरोटॉक्सिकोसिस है डैट मीन सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस है। प्राइमरी वाली ग्रेवीज में सेकेंडरी वाली टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर में देखने को मिलती है, कार्डिक साइन सेकेंडरी में होते हैं और आइस के साइन आपको प्राइमरी में देखने को मिलते हैं। ओके टॉक्सिक नोड्यूल है, टॉक्सिक नोड्यूल के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस कौन सी होती है, थायराइड स्कैन आपने करनी होती है। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर सोलिटरी थायराइड नोड्यूल, तो सोलिटरी थायराइड नोड्यूल में आपने लोबेक्टमी करनी है या हेमिथायरॉइडेक्टमी भी कहते होते हैं। इसके बाद पैपिलरी कैंसर है, पैपिलरी कैंसर में रट्टा मार लेना कि जो रेडिएशन होता है ना इसका रिस्क फैक्टर होता है, रेडिएशन इसका स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है, बायलैटरल होता है, मल्टीफोकल इन ओरिजन होता है, लिम्फेटिक के जरिए फैलता होता है, एफएनएसी से डायग्नोस कर सकते होते हैं। टोटल थायरॉइडेक्टमी करनी है विद नेक डायसेक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो आयोडीन देनी होती है। इसके बाद फोलिकुलर कैंसर है, फोलिकुलर कैंसर का जो रिस्क फैक्टर होता है डैमिक गोइटर होता है, यूनिफोकल होता है, ज्यादा अग्रेसिव होता है, हेमाटोजिनस सबलेट से फैलता होता है, और इसमें रिकरेंस का रेट काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। एफएनएसी से कभी भी डायग्नोस नहीं करोगे बल्कि आप लोबेक्टमी कर दोगे, टोटल थायरोडेक्टमी विद नेक डिसेक्शन है और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो आयोडीन वगैरह अप्लाई कर दोगे। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। ओके सही हो गया। सिंपली अगर बताऊँ कि जो डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर होते हैं उसमें टोटल थायरॉइडेक्टमी करनी है, रेडियो एब्लेशन करना होता है, फॉलो अप अपने थायरोग्लोबुलिन से और होल बॉडी थायराइड स्कैन से करना होता है। अगर कोई मेटास्टेसिस है, रिकरेंस है, उसको आपने ठीक करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन है और लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन थेरेपी देनी होती है। इसके बाद मेडुलरी थायराइड कैंसर है, इसका भी ट्रीटमेंट क्या होता है, टोटल थायरॉइडेक्टमी है, नेक की डायसेक्शन होती है, लेकिन इसमें रेडिएशन का कोई रोल नहीं होता। कैल्सोटेनिन से और कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन से आप क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते होते हैं। और प्रोफिलैक्टिक थायरॉइडेक्टमी कब करते हैं, 1 या 6 साल पर, अगर मेन टू बी या मेन टू ए है। एनाप्लास्टिक में आपने क्या करना होता है, ट्रेके के कंप्रेशन को रिलीव करना होता है, और लिम्फोमा में अगर स्टेज 1 और 2 का तो रेडियो, और अगर स्टेज 3 और 4 का तो कीमोथेरेपी आपने करनी होती है। और सब टोटल थायरॉइडेक्टमी में क्या होता है, 8 ग्राम थायराइड टिश्यू का दोनों साइड पर बचा लेते हैं, नियर टोटल के अंदर 8 ग्राम सिविक साइड पर बचा लेते हैं, जिसको हार्डली डन हिल प्रोसीजर कहते होते हैं। और लोबेक्टमी में एक लोब निकाल देते हैं और इस्थिमस वगैरह को निकाल देते हैं। क्लियर, ओके, ऑलमोस्ट सारे एक्सप्लेन कर दिया। फोलिकुलर कैंसर में एंडेमिक गोइटर रिस्क फैक्टर होता है, यूनिफोकल होता है, ज्यादा अग्रेसिव होता है, हिमाटोजिनस सेपरेट होता है, पूरा प्रोग्नोसिस है, ज्यादा रिकरेंस है, एफएनएसी से डायग्नोस नहीं कर सकते, टोटल थायरॉइडेक्टमी करते हैं, नेक डाइसेक्शन करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो आयोडीन है। मेडुलरी थायराइड कैंसर है, RET जन की म्यूटेशन देखने को मिलती है, मेन टू ए मेन टू बी से एसोसिएटेड होता है, मल्टी सेंट्रिक सी सेल हाइपरप्लासिया होता है। ओके और इसकी मॉनिटरिंग कैसे करोगे, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन से और कैल्सिटोनिन से देखते होते हैं। ट्रीटमेंट में टोटल थायराइडेक्टमी विद नेक डाइसेक्शन है।
और इसमें पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो आयोडीन का कोई रोल नहीं होता। क्लियर, सही हो गया। और आपने प्रोफाइलेक्टिक थायरॉइडेक्टमी आपने कर देनी है 1 या 6 साल की उम्र में। एनाप्लास्टिक कैंसर वॉस्ट ट्यूमर होता है, ट्रू कट बायोप्सी से डायग्नोस करते होते हैं। क्लियर, ट्रू कट बायोप्सी से डायग्नोस करते होते हैं, ठीक हो गया। अब कुछ ही ट्यूमर है जिनको आप ट्रू कट बायोप्सी से करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा एनाप्लास्टिक कैंसर हो जाएगा, ठीक हो गया, लिम्फोमा वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा आपका लाइक फोलिकुलर न्यूप्लाज्म हो जाएगा। अगर ट्रैकिया की ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने इस्थीमास्टेक्टमी करनी है, इस्थीमास को काट देना होता है, कभी भी ट्रैकियोस्टोमी नहीं करनी, ओके, ठीक हो गया, बल्कि ऑलवेज इस्थीमास्टेक्टमी करनी होती है, बिकॉज ट्रैकियोस्टोमी से ट्यूमर फैल जाता होता है। लिम्फोमा ऑटोइम्यून थायरॉइडाइटिस से रिलेटेड होता है, लाइक हाशिमोटोस है, एफएनएसी से करोगे, लेकिन कंफर्मेशन के लिए ट्रू कट बायोप्सी करनी होती है। अर्ली स्टेजेस में रेडियोथेरापी 3, 2 एंड 1 एंड 2 में रेडियोथेरापी और 3 एंड 4 में कीमोथेरापी आ जाती है। ओके, अब आ रही है थायरोडक्टमी की कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ओके, एक पेशेंट के थायरोडक्टमी हुई है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और कोई मैस बन गया है इन फ्रंट ऑफ नेक, तो वो क्या होता है, टेंशन हिमाटोमा क्रिएट हो गया, सडन स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक का और ब्रेथलेसनेस है, तो क्या होता है, टेंशन हिमाटोमा होता है, जिसकी वजह से ना आपको डिसनिया देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साइन को देखना होता है, कॉल फॉर हेल्प है, स्टिचेस को खोलना है आपने ताकि कॉम्प्रेशन को रिलीव कर सके। क्रिकोथायरोडक्टमी भी आपने करनी होती है टू सिक्योर द एयरवे, ओके, ठीक हो गया। ईटीटी को वाइड करना होता है, क्रिकोथायरोडक्टमी आपने करनी होती है, हिमाटोमा को आपने इवैक्यूएट करना होता है, ब्लीडिंग वेसल को लाइगेट करना होता है, नॉर्मल सलाइन से आपने वुंड को वॉश करना होता है, और ड्रेन लगानी होती है, और ब्लड की ट्रांसफ्यूजन आपने करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, रिएक्शनरी हैमरेज भी होता है, जिसकी वजह से लैरिंजियल एडिमा होता है। इन शॉर्ट, इसमें वुंड की एक्सप्लोरेशन करनी है, हिमाटोमा को इवैक्यूएट करना है, वैसल को लाइगेट करना होता है। क्लियर, अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायरोडक्टमी, तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में हैमरेज होता है, जिसकी वजह से हिमाटोमा, इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, थायरॉयड स्टोन देखने को मिल सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग आपको देखने को मिलता है, लाइक इसमें आपको हाइपर पायरेक्सिया, रेस्टलेसनेस, डिहाइड्रेशन होता है। इसका मैनेजमेंट आईवी फ्लूइड है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डाइजॉक्सिन देते हैं, फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, कार्बिमेजोल, प्रोपेनोलोल, ओलिगोल्स, आयोडीन आपने देनी होती है, और इसको ठंडा करना होता है बंदे को। क्लियर, सही हो गया। इसके अलावा यानी ना अर्ली कॉम्प्लिकेशन तो ये हो गया, लेट कॉम्प्लिकेशन में इंसफिशियंसी या कारण से एक्सोफ्थाल्मोस, किलोइड, पैराथायरॉइड इंसफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, सही हो गया। बस एक बात रट्टा मार लेना, थायरॉइड इंसफिशिएंसी है तो 150 माइक्रोग्राम है, और अगर रिकरेंस है तो सप्रेसिव डोज देनी है 200 माइक्रोग्राम की। ओके, अब ये मैं बता रहा था कि पैपिलरी और फोलिकुलर में अपने रिकरेंस को अवॉइड करने के लिए सप्रेसिव डोज देते हैं 200 माइक्रोग्राम की, जबकि मेडुलरी थायरॉइड कैंसर में सिर्फ रिप्लेसमेंट डोज देते होते हैं। इसके बाद टेक्नीशियम 99 सिस्टम में भी स्कैन MIBI स्कैन होता है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड को लोकलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर रिकरेंस हो रहा है तो आपने लोकलाइज कब करना है, सीटी कैसे करना है, सीटी से, MRI से, पैट स्कैन से करते होते हैं। अगर एडिनोमा है तो उसको हमें रिमूव कर देना, हाइपरप्लेजिया तो चारों ग्लैंड्स को रिमूव कर देना, और 50 मिलीग्राम का जो पैराथायरॉइड टिश्यू है उसको ब्रैकियोरेडियालिस में इम्प्लांट कर देना होता है। इंसुलिनोमा में विपल स्ट्राइड होता है और सी पेप्टाइड का लेवल ज्यादा हो जाता है। विपल स्ट्राइड में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया रिलीव हो जाता है, डेक्सट्रोज है, ओके, और ठीक हो गया, ये आपको सिप्टम देखने को मिलते हैं। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, सिप्टम आपको देखने को मिलते हैं और सिप्टम ठीक हो जाते हैं ऑन टेकिंग द डेक्सट्रोज है। जोरिंगल लाइसेंस सिंड्रोम में गैस्ट्रिनोमा होता है, मैलिग्नेंट होता है, गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल में देखने को मिलता है। फास्टिंग गैस्ट्रिन लेवल 1000 नैनोग्राम लिखा हुआ है, वैसे बुक में पीछे पिकोग्राम लिखा हुआ था। सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट में 200 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, सही हो गया। इसके बाद ब्रेस्ट वगैरह नेगेट्स है, आई थिंक ये खत्म होने वाला है। ओके, एंड ह्यूज क्रेडिट गोज टू डॉक्टर शेरियार अली जाफरी, ओके, जिन्होंने ये PDF बनाया है। ओके, इसके बाद ब्रेस्ट का कैंसर है, तो ब्रेस्ट के कैंसर में क्या, अगर फाइब्रोएडिनोमा होता है, इसका साइज एक से लेकर 2 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट का ट्यूमर होता है, 35 साल से नीचे वाला का होता है, फर्म रबरी मैस बना देता है, इसको ब्रेस्ट माउस कहते हैं। ट्रिपल असेसमेंट करनी होती है, अब ट्रिपल असेसमेंट में 3 चीज़ें होती है, ओके, क्लिनिकल असेसमेंट, हिस्टोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल है। क्लिनिकल में एज और हिस्ट्री एग्जामिनेशन आ जाता है, रेडियोलॉजिकल में आपका कौन सा आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड में मेमोग्राफी है, और हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपका आ जाएगा लाइक FNAC, कोर कट या ट्रू कट बायोप्सी आ जाता होता है। क्लियर, सही है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सीजन और ई न्यूक्लिएशन। अगर फाइब्रोडिनोमा 5 सेंटीमीटर से बड़ा का तो उसको जॉइंट फाइब्रोडिनोमा कहते हैं। फालोडी स्टीमर 40 साल की फीमेल में ऊपर देखने को मिलता है, मैस इसका 5 सेंटीमीटर से बड़ा का होता है, प्रोलिफ्रेशन ऑफ स्ट्रोमा की वजह से होता है, मलिग्रेंट पोटेंशियल होता है। ट्रिपल असेसमेंट करनी है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, वाइड लोकल एक्सीजन विद रिम ऑफ नॉर्मल टिश्यू, या फिर अगर ज्यादा रिकरेंट है तो ज्यादा साइज बड़ा है तो आपने सिंपल मास्टेक्टमी करनी होती है। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल विदाउट एनी पाल्पेबल मैस है, ओके, ब्लडी डिस्चार्ज निप्पल से हो रही है, कोई पाल्पेबल मैस नहीं है, तो इंट्राडक्टल पैपिलोमा होता है। वंस अगेन ट्रिपल असेसमेंट करोगे, ओके, और माइक्रो डिडेक्टमी कर दोगे, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल है और पाल्पेबल मैस है, तो ये ब्रेस्ट का कैंसर होता है। ग्लैक्टोरिया मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल है। मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज क्या होता है, निप्पल की स्टिमुलेशन या सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज प्रोलैक्टिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन नॉन पिट्यूटरी पैथोलॉजिकल कॉज, ओके, पिट्यूटरी के अंदर प्रोलैक्टिनोमा, नॉन पिट्यूटरी के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म है। ग्लैक्टोसिल OCP की वजह से हो सकती है, एस्पिरेशन आपने करनी होती है,
एक स्मोकर स्मोकिंग वाली फीमेल है, ग्रीनिश ब्राउन या ग्रीनिश ब्लैक डिस्चार्ज, स्लिट लाइक निपल दी रिट्रैक्शन है, पेनफुल सब एरियुलर मैस है, फिस्टुला की फॉर्मेशन भी है, इक्टेजिया या पेरिडक्टल मास्टाइटिस या प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस होता है, ट्रिपल असेसमेंट करनी होती है, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक और हैडफील्ड्स ऑपरेशन होता है, खून एक्सिजन है और माइक्रोडुरेक्टमी भी कर सकते होती है, टेनस रैकेट एनसीएन होता है, लेकिन हैडफील्ड्स ऑपरेशन करना होता है। हैडफील्ड ऑपरेशन में डन इफ द साइट ऑफ ड्रेनेज डिस्चार्ज इज अनसर्टेन, कॉनिकल टिश्यू वगैरह निकाल देते हैं, डिफेक्ट को हम सुचर वगैरह से क्लोज कर देते हैं। अगर ब्रेस्ट का कैंसर 3 सेंटीमीटर से नीचे का है तो आपने ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी करनी है, BCS करना होता है, अगर 3 सेंटीमीटर से ऊपर का है तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी वगैरह करते होते हैं। और जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी होती है इसमें लंपेक्टमी और कॉर्डनटेक्टमी आ जाती है, वाइड लोकल एक्सीजन विद 1 सेंटीमीटर हेल्दी मार्जिन आता है और एक्सिलरी लिम्फ नोड की डाइसेक्शन वगैरह करते होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो थेरेपी है। तो क्या क्या BCS में? वाइड लोकल एक्सीजन, कॉर्डनटेक्टमी या लंपेक्टमी करते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड की डाइसेक्शन करते हो, पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो थेरेपी है। इसके बाद MRM मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी होता है, इसमें पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स निकाल देते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लिम्फ नोड का निकालते हैं और पेक्टोरलिस माइनर को भी निकाल देते हैं, लेकिन पेक्ट मेजर को नहीं निकालते होते। इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव हार्मोनल थेरेपी है, प्री मेनोपॉजल में टमेक्सोफिन, पोस्ट मेनोपॉजल में एनास्ट्रोजोल आ जाती होती है। टमेक्सोफिन होती है ये ना बोन की मेटास्टेसिस के रिकरेंस को अवॉइड कर देती होती है, इसके अलावा डेथ रेट को भी अवॉइड कर देती है और आपने 5 साल तक देना होता है। क्लियर? द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो थेरेपी तो वो क्या होती है? ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी होती है, रिकरेंस को रिड्यूस कर देती है रेडियो थेरेपी, बट नॉट मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस को नहीं ठीक करती होती रेडियो थेरेपी। आफ्टर रेडियो थेरेपी और एक्सिलरी लिम्फ नोड की डाइसेक्शन है तो क्या होता है कि लिम्फेडिमा के चांसेस बढ़ जाते होते हैं और लिम्फेडिमा ना ये लिम्फ एंजियोसार्कोमा में, एंजियोसार्कोमा में कन्वर्ट हो जाता है। इन प्रेगनेंसी विद ब्रेस्ट कैंसर है तो रेडियो थेरेपी आपने नहीं देनी होती और कीमोथेरेपी भी नहीं देनी होती, ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी भी नहीं कर सकते होते। स्लिट लाइक निपल रिट्रैक्शन पेरिडक्टल मास्टाइटिस में होती है, सर्कमफेरेंशियल रिट्रैक्शन कार्सिनोमा में होती है, बिनाइन हॉरिजॉन्टल रिट्रैक्शन है तो ये सिंपल निपल इन्वर्जन ऑफ अननोन ओरिजिन होता है। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये सिस्टमिक नगेट्स हमने फिनिश कर लिया है। ह्यूज क्रेडिट गोज टू डॉक्टर शिरियार अली जाफरी फॉर गिविंग द ब्यूटीफुल नगेट्स।